सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। और अभी इन दिनों क्या चल रहा है आपका? रमजान का महीना चल रहा है ना, और बहुत जो बड़े बच्चे हैं वो तो रोजे रखते हैं ना, और बहुत जो छोटे बच्चे हैं वो जिनका मन करता है वो रखते हैं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, ओके बेटा। लेकिन सबसे पहले तो क्या करना है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। अभी क्या चल रहा है पूरा, जैसे ये बीमारी चल रही है ना कोरोना जैसी, इससे हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, ओके। हैंड वॉश करते रहना है और ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, ओके। और बाहर भी निकलो तो मास्क लगा के रखना है, ओके। और साथ साथ क्या करना है हमको, जो मैडम रोज पढ़ाते हैं आपको, रोज आपको वीडियो जा रहा है ना वीक में, हर सब्जेक्ट का पूरे वीक में डेली जाता है, एक ना एक वीडियो जाता है, पीडीएफ जाता है, तो आपको पढ़ने का भी साथ साथ ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा हमको रोज अपना रिवाइज करते रहना है ना, तो सब्जेक्ट वाइज आपके पास जाता है, कभी इंग्लिश का, ईवीएस का, हिंदी का, उस तरह से आपको पढ़ते रहना है, ओके। और मम्मी पापा को भी ऐसा नहीं कि मम्मी पापा जब बोले तभी आपको पढ़ना है, क्योंकि उनके वो लोग अभी रमजान है, रोजा रखते हैं तो परेशान हो जाते हैं ना वो भी, तो आपको साथ साथ पढ़ते रहना है, ओके। तो आज हम क्या करेंगे, अपने कक्षा दो में, कक्षा दो विषय हिंदी में क्या करेंगे, र, रे और पदे र का प्रयोग करना मैं आपको वर्ड वर्ड सिखाऊंगी ना। हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड में हम सीख चुके हैं ये चीज़, सारी मैडम ने आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, ये सब सिखा चुके हैं। फर्स्ट में भी हमने ये सीखा है और सेकंड में भी हमने सीखा है, लेकिन हम सॉरी फर्स्ट में हम लोग सीख के आए हैं इसको, तो इसीलिए हमें वापस एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम पूरा लेसन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारे ये मात्राएं आती है, ये भी मात्राओं में ही आता है, रेफ रे पदे ने इसका कहाँ पर प्रयोग करना है, और ये र का उच्चारण का प्रयोग करता है ना, र रे मतलब आधा र। अभी मैंने आपको संयुक्त अक्षर संयुक्त वर्ण का भी इसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह से संयुक्त अक्षर और संयुक्त वर्ण होते हैं ना। संयुक्त व्यंजन तो छत्र या श होते, लेकिन जो संयुक्त अक्षर होते हैं संयुक्त वर्ण में आधा चा, आधा ल, आधा ड, आधा का, इस तरह से हम लगाते हैं। इसी तरह से ये आधा र है, आधा र का उच्चारण जो होता है ना, र रे बोलते हैं उसको, तो उसमें कोई भी वर्ण में जो आधा र का उच्चारण आता है वो हम किस तरह से करते हैं उसका मैं आपको आज बताऊंगी, ओके। पहले यहाँ से ये रंग कर देते हैं हम पहले। अब ये र रे में कौन सी वाली मात्रा आती है, आधा र इस तरह से आता है, ओके। और ये पदे र, इसमें दो मात्राएं, एक तो ये होती है और एक ये होती है, ये नहीं होती, ओके। अब देखो मैं आपको बस लगा के बताऊंगी किस तरह से हमको लगाना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, सूर्य, सूर्य नहीं होता है, सूर्य होता है, तो हम बोलेंगे इसको सूर्य, लेकिन जब खाली इसको पढ़ेंगे तो सूर्य बोल रहे हैं, जब हम इसमें ल का प्रयोग करेंगे या फिर तो क्या बन जाएगा, ये सूर्य, राका उच्चारण आ रहा है ना, आधा रहा। इसी तरह से खाली ये है दपण, लेकिन दपण नहीं होता है, क्या होता है, दर्पण। इसमें हम आपको लगाएंगे इसमें लेव को यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको किस तरह से बोलेंगे हम, दर्पण। कैसे बोलेंगे, राका उच्चारण आ रहा है ना, इसमें हम बोलने में कैसे करते हैं, दर्पण। इसी तरह से पढ़ने के बाद सूर्य फिर दर्पण। अब ये क्या लिखा हुआ है खाली, हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, धम धम, धम नहीं है लेकिन हमको बोलना क्या है, धर्म। तो धर्म में कहाँ लगाएंगे, ये वहाँ पे लगाएंगे, ये वाला रेफ लगेगा। अब इसी तरह से ये है कम, खाली तो इसको पढ़ेंगे कम, लेकिन हमको लिखना है कर्म, किसी ने बोला कि कर्म, तो कर्म हम कैसे लिखेंगे, तो कर्म में हमको र का प्रयोग करना है, तो ये वाले र का आ जाएगा यहाँ पे कर्म, ओके। अब देखो ये मीनिंग इसका पूरा उच्चारण भी बदल गया है ना सारे का, वर्णों का, खाली पढ़ रहे थे सूर्य दर्पण ऐसा नहीं है, लेकिन सूर्य दर्पण धर्म कर्म, आधा रा का उच्चारण आ रहा है, बोलते समय आधा रा का उच्चारण आ रहा है, ओके। इसी तरह से ये देखो यहाँ पे बता देती पहले, अब यहाँ पे जैसे ये खाली हम इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड है पर्वत, पवत, ओके। तो पवत नहीं होता है, पर्वत होता है, क्या होता है, पर्वत। तो वहां पे लगाएंगे यहाँ वहां पे ऐसे लगाएंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, पर्वत। इस तरह से फर्श, फर्श नहीं होता है, फर्श होता है, जो हम लोग जमीन को बोलते हैं ना फर्श, तो अब इसमें रा का उच्चारण ये वाला रा नहीं पाएगा, तो क्या पढ़ेंगे, फर्श, पर्वत, फर्श, फिर कार्ड, कार्ड होता है, कार्ड होते हैं किसी को शादी वाला कार्ड और भी कार्ड होता है, इस तरह से कार्ड सकते हैं, तो उसको हम कार्ड, कार्ड, जिसमें भी आधा रा का उच्चारण आ रहा है। अब ये पर्स, लेकिन ये क्या है, पर्स, जो पर्स होता है ना मम्मी रखती है, पापा रखते हैं अपने पास में पैसे रखते हैं, तो वो चीज पर्स में यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, इसका उच्चारण ये होगा। इस तरह से क्या बन गए, ये वाले, अब ये वाली मात्रा होगा, इनके इन वाले जो
ये वाला नाम वेद का प्रयोग होगा, जैसे सूर्य में, दर्पण में, धर्म में, कर्म में, पर्वत में, फर्श में, कार में और वर्ष में, इनमें हम क्या करेंगे, ये वाला लव रेफ आता है कि कोई हमको बोले कि भाई सूर्य लिखो बिना देखे, कई बार बोलते हैं ना कि बिना देखे लिखो, बिना देखे क्या काम, कभी कभी हम आंसर जब हम लिखते हैं तो उसमें सूर्य भी आता है, दर्पण भी आता है, बहुत चीज मतलब बहुत सारे शब्द आते हैं, तो बिना देखे हम कैसे लिखेंगे सूर्य, तो इस तरह से ये वाला लव रेफ लग रहा है। इसी तरह से हो गया सूर्य, दर्पण, धर्म, पर्वत, फर्श, कार और पर्श। अब ये है चक्र। अब ये वाले जो पदे का है, एक ये है और एक ये, अब इनका प्रयोग कहाँ पे होगा वर्ड में, अब जैसे यहाँ पे चक्र हमको लिखना है, ओके, तो चक्र में ऊपर नहीं लगाएंगे चक्र, ये तो खाली के बन गया चक्र, चक्र लेकिन हमको चक्र बोलते हैं ना, झंडे में एक चक्र होता है, गोल जो चक्र होता है, तो अब हम चक्र कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे इस पे ऐसे लगा देंगे मात्रा, तो इसका उच्चारण क्या हो गया चक्र, ये वाला है ना, इसको हम यहाँ लगा देंगे चक्र। अब इसी तरह से सम्राट, तो इसमें माँ पे हम इस तरह से लगा देंगे सम्राट। फिर ट्रेन, अगर इसको हटा देंगे हम पदे का को, तो कैसे लिखेंगे ट्रेन, अब ये ट्रेन हो गया, लेकिन हमको तो बोलना है ट्रेन, तो ये कैसे लगाएंगे, इनमें इस तरह से लगाएंगे सम्राट में, चक्र में इसमें ऐसे लगाएंगे, और ट्रेन में, ड्रम में हमको ऐसे राघवोच्चारण, आधा राघवोच्चारण करना है। इसी तरह से ये जैसे ड्रामा है, ड्रामा वो ड्रम है और ये ड्रामा, ड्रामा बोलते हैं नाटक बोलते हैं इसको, ड्रामा बोलते हैं, इस तरह से इसमें भी हमको ऐसे लगाना है। ये राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं होता राष्ट्र ऐसे बोलते हैं, तो आधा राघव चरण है ना, अब ये खाली इसको कैसे पढ़ रहे हैं हम प्रणाम, लेकिन प्रणाम नहीं होता प्रणाम होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे ऐसे प्रणाम। इसी तरह से प्रकाश, ये प्रकाश नहीं है प्रकाश है, अंदर ध्वनि से जब हम बोल रहे हैं ना, तो आगे इसका हमको पता नहीं चल रहा है, अंदर इसका उच्चारण हो रहा है प्रकाश, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे तभी बन गया प्रकाश, ओके। इसी तरह से ये ट्रक और ट्रॉली, ओके, अभी ट्रक और ट्रॉली में जैसे ट्रॉली में लगाएंगे ऐसे और ट्रक ट्रॉली भी लगाएंगे ऐसे। अब ये क्रम है, ये कर्म है और ये क्रम है। अब क्रम मीन्स तो जैसे होता है कि कोई क्रम बाई नहीं बोलते हम कि एक के बाद एक जो क्रम बाई चलता है, तो अब हम क्रम में तो लगाएंगे यहाँ पे ये वाला, और क्रम जो होता है कर्म जो होता है वो कार्य बोलते हैं, कर्म अपना कर्म करना कार्य करना, उसमें हम इस चीज का उच्चारण वहाँ पे जो लगाएंगे। और क्रम में क्रम जो बोलेंगे जैसे क्रमशः या क्रम संख्या ऐसे बोलते हैं हम, उसमें हम यहाँ पे इसको लगाएंगे, ओके। आयो बेटा ये ड रेफ का तो आपको समझ में आ गया होगा, सूर्य, दर्पण, धर्म, कर्म, पर्वत, फर्श, कार, पर्स, चक्र, सम्राट, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा, राष्ट्र, प्रणाम, प्रकाश, ट्रॉली, ट्रक, कर्म और कर्म, ये क्रम है और ये कर्म है, ओके। आयो आपको ये समझ में आ गया, ये अभी लिखना नहीं है आपको, जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तब आपको आगे लिखना है। अब हम आगे लिखते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण, ओके। अभी हमने र रेफ का प्रयोग कर लिया, अब हम करेंगे संयुक्त अक्षर, और या संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं, ओके, ये आपको थोड़ा छोटा ऐसे लगाना है ऐसे। अब ये इनको अक्षर और वर्ण एक ही चीज होती है, तो हम इनको संयुक्त वर्ण भी बोलेंगे और संयुक्त अक्षर भी बोलेंगे। अब संयुक्त अक्षर वाले शब्द जैसे दो संयुक्त मतलब जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर जोड़ के संयुक्त अक्षर, वो वाले शब्दों को बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण, ये हमको पहले ये समझना है, अभी आप जो बड़ी क्लास में आओगे तब आपको अच्छे से उसको बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको नॉर्मल खाली नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दी कि जिसमें आधा च, आधा ल, आधा क, आधा त, इस तरह से आधा आता है ना, उसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी क्लास में आओगे तो आपको ऑटोमेटिक पूरे अच्छे से समझाया जाएगा, ओके। तो हम इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे ये कच्चा, अब इसमें आधा चा आ रहा है, इसी तरह से बच्चा, फिर इसी तरह से सच्चा, ओके। अभी संयुक्त मिल रहे हैं ना, मतलब दो वर्ण जुड़ के मतलब संयुक्त कहते हैं ना, जोड़ने वाले शब्द वर्णों को, इसी तरह से कच्चा, बच्चा, सच्चा, जिनमें आधा च, आधा का कोई भी आधा वर्ण आता है उसको हम संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण कहते हैं। फिर अब देखते हैं हम ता में,
सत्ता फिर गत्ता छत्ता ओके अभी तो देखो इसमें आधा जा रहा है इसमें आधा का आ रहा है फिर इसी तरह से ला वाला लिखते हैं बिल्ली और इसमें आधा ला आ रहा है ना बिल्ली दिल्ली और ये झिल्ली झिल्ली ओके इस तरह से ये संयुक्त वर्ण वाले शब्द बिल्ली अभी मैं सब इसमें ज्यादा आ रहा है इसमें आधा का आ रहा है इसमें आधा का आ रहा है बिल्ली दिल्ली अब इसी तरह से जैसे बल्ला फिर दच्छा ओके फिर ये गुप्त लिखेंगे आधा पार है गुप्त ओके सुप्त ये मैं आधा पार इन सबका उच्चारण इस तरह से होता है ना बल्ला दच्छा गुप्त सत्ता अब हाँ इस तरह से एक और जैसे ये चम्मच आधा पाव वाला है चम्मच अब ये जो होता है जो हम लिखेंगे जैसे गुड्डा लिखेंगे गुड्डा अब इसमें आधा डा तो नहीं बनाएंगे हम आधा डा कैसे बनाएंगे आधा डा नहीं बन सकता ना डा डा आधा नहीं बनेगा तो कैसे लिखेंगे इसको गुड्डा को हम ऐसे लिख दिया पहले फिर यहाँ पे हलंत लगा देते हैं ओके यहाँ पे हम हलंत लगाएंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे गुड्डा ओके इस तरह से इसमें आधा डा नहीं बना सकते तो गुड्डा के गट्ठर अब गट्ठर में भी यहाँ पे टा बना के ये लिखे और यहाँ पे ऐसे हलन लगा देंगे ओके ये बन गया इनमें आधा टा इस तरह से नहीं होता ना आधा टा कैसे बनाएंगे हम टा में भी आधा टा नहीं बना सकते तो इसमें क्या करते हैं जब ऐसे शब्द लिखे हम तो हलन लगा देते हैं गुंडा हुआ गट्ठर हुआ और भी शब्द होते हैं ऐसे लड्डू हुआ जैसे लड्डू अब लड्डू में भी हम क्या करेंगे ऐसे हलन लगा देंगे और ऐसे लिखेंगे लड्डू ओके इस तरह से जिनमें और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं आपको फर्स्ट में तो सॉरी हाँ फर्स्ट में मैडम ने लिखवाए हैं बहुत सारे शब्द उनको लिखवाए हैं इसी तरह से कच्चा पक्का और का वाले शब्द बोला था जैसे पक्का फिर मक्का और मक्खी ये देखो ये आधा का आ रहा है इनके बीच में इस तरह से पक्का मक्का मक्खी मक्का तो जानते हैं ना जो खाते हैं जो आप लोग मक्का होता है ना ये इस तरह से हो गए सारे आधा आधा ये कच्चा कच्चा सच्चा सत्ता कट्टा छत्ता बिल्ली दिल्ली झिल्ली बल्ला लच्छा गुप्त ये आधा पार है सुप्त चम्मच गुड्डा गट्ठर लड्डू पक्का मक्का मक्खी ओके ये संयुक्त अक्षर वाले आधे आधे जिनमें आधा आधा वर्ण भी आता है बीच में वो संयुक्त अक्षर संयुक्त वर्ण वाले शब्दों को बोला जाता है ओके आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी हम नहीं भी आएंगे तो आपको अच्छे से ध्यान से इन चीजों को देखना है इनको हमें समझना है लेकिन जब कोई बोलेगा कि लिखो बच्चा तो हम फटाफट लिख सकते हैं ना कि बच्चा फिर बोलने में क्या अच्छा लगा रहा है बोल के भी देख रहे हैं हमको तभी हम लिख पाएंगे बच्चा आधा चा भी आ रहा है पूरा चा भी आ रहा है अगर हम इसको हटा देते तो क्या बन जाएगा ये बचा बचा हो जाएगा ना जब हम लिखेंगे ब पढ़ेंगे और चा लिखेंगे तो बच्चा बन गया लेकिन जब हम उनको बोल रहे हैं बच्चा जैसे कोई शब्द बनाएंगे कि वहाँ बच्चा खेल रहा है खेलता है तो बच्चा में बच्चा तो नहीं लिखेंगे हम है ना तो बच्चा आधा चा लगाएंगे उसमें तब वो बच्चा बनेगा ओके इस तरह से ऐसे सच्चा कि वह बहुत सच्चा है तो इसी तरह से जैसे अगर इसको चाकू हटा देंगे तो क्या बनेगा सच्चा लेकिन सच्चा नहीं होगा सच्चा तो आधा चाकू उच्चारण नहीं हो रहा है इसी तरह से अब इसको हटाएंगे यहाँ से आधा चाकू तो सता लेकिन हमको पढ़ना क्या है सत्ता इसी तरह से गत्ता हो गया लेकिन हम आधा ता लगाएंगे तो इसका उच्चारण हो गया गत्ता फिर छत्ता जैसे बोलते ना मधुमक्खी का छत्ता इसी तरह से अगर हम खाली इसको चाकू हटा देंगे तो छत्ता हो जाएगा लेकिन छत्ता बोलना है हमको तो क्या पढ़ेंगे इसको छत्ता इसी तरह से बिल्ली अगर ला को हटा देंगे तो कैसे बोलेंगे बिल्ली बिल्ली नहीं होता बिल्ली बोलते हैं ना आधा ला भी इसमें लगेगा ऐसे बिल्ली अगर हम ला को हटा देंगे तो बिल्ली हो गया लेकिन वैसे जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको दिल्ली झिल्ली इसी तरह से बल्ला लच्छा गुप्त सुप्त चम्मच गुड्डा गट्ठर लड्डू ये मैंने आपको बताया डा में कोई आधा नहीं होता ता में भी आधा नहीं होता है इस तरह से हमको ये लिखना और आप पुस्तक जैसे ये पा है फिर
ये पूरा सा ऐसे होता है और आधा सा कैसे बनता है ऐसे। ओके अब इसमें पुस्तक नहीं लिखना है, हम ये वाला शानी बनाएंगे, ये पुस्तक में ये वाला सा आता है। ओके ये पुस्तक शा, अगर शा होगा तो ये होगा, लेकिन पुस्तक जब हम लिख रहे हैं तो ये वाला आधा सा आएगा। ये पूरा सा होता है इसको हटा देंगे तो ये आधा सा बन जाएगा। ओके तो इस तरह से ये हो गया पुस्तक। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे, है ना। जब आप पूरा लेसन पढ़ोगे इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, छोटे छोटे शब्द जब हम लेसन पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द आएंगे। ओके बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको लिखना नहीं है, केवल जो मैं पढ़ाती हूँ उसको समझना है। लिखने के लिए मैं आपको PDF दूंगी। थैंक यू बेटा, टेक केयर।